When you talk about Imtiaz Ali's any film, that film scores maximum numbers on only one ground, and that is a storyline. बात कर रहे हैं हम इम्तियाज अली की लेटेस्ट फ्लिक तमाशा की, अ फिल्म डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली, जिसमें लीड रोल्स प्ले कर रहे हैं रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण। बाकी की पूरी कास्ट पर इतना ध्यान आपका नहीं जाता, क्योंकि रणबीर और दीपिका से आपका ध्यान हटता नहीं है। ये कहानी है वेद और तारा की, जो फ्रांस के किसी आइलैंड में मिलते हैं और फिर एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन ये आम सा दिखने वाला प्यार कैसे खास बन जाता है, कैसे एक आम आदमी एक ग्रेट लवर में बदल जाता है, ये फिल्म बताती है उस शख्स की कहानी। ये फिल्म बताती है उस दौर की कहानी जब आपकी जिंदगी में आती है कोई लड़की और आपको एक आम इंसान से एक खास, एक ग्रेट, एक पैशनेट लवर बना देती है। इस कहानी में बहुत सारे तमाशे हैं, इस कहानी में बहुत सारे तमाचे भी हैं। सोसाइटी के लिए ढेर सारी बातें, सोचने के लिए बहुत सारे डायलॉग्स और दो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस बाय रणबीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण। ये फिल्म 100 में से 50 मार्क्स तो सिर्फ अपनी स्टोरी के लिए अर्न कर लेती है, बाकी के 30 मार्क्स मिलते हैं रणबीर और दीपिका को, 10 मार्क्स फिल्म के डायरेक्शन, शूट, सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक के लिए, खासकर AR रहमान साहब का कंपोज्ड अगर तुम साथ हो। इतना अप टू द मार्क एंड राइट ऑन टाइम, राइट ऑन टारगेट गाना है, जिसे इस फिल्म में सुनने के बाद आप उस गाने में खो जाते हैं। फिल्म के बाकी गाने भी एज पर सिचुएशन है, बीच में घुसाए नहीं गए। सो इम्तियाज अली हैज डन इट अगेन। अगर आप ये फिल्म देखते हैं तो 100 में से आपके 90 रुपए वसूल हो सकते हैं, अगर आप सिनेमा से सिर्फ एंटरटेनमेंट की उम्मीद नहीं रखते, बल्कि उम्मीद रखते हैं एक अच्छे सिनेमा की। दिस फिल्म इज फॉर यू इफ यू आर अ रियल सिनेमा लवर। वेटिंग फॉर यू इन द थिएटर्स नियर यू। तमाशा।